जाता रो तो पियाजी के घर हो। गाना गाना पसंद था सर, लेकिन अब जब से चोट लगी है सर मैं सब कुछ भूल गया। पहले मैं नारपुर दारू ठेके के पास रह रहा था, तो वहाँ पे भी दो तीन लेडीज रह रही थी, तो देख देख के हंस रहे थे। तीनों बंदे हाथ काट के बैठ गए, तीनों बंदे हाथ काट के बैठ गए, इसलिए ऊपर लिया एक साइड में। ये चौथी फ्लोर है, पावर प्रेस मशीन चला रहा था, उसमें मोटरसाइकिल का पार्ट बन रहे थे, हीरो होंडा का पार्ट। वो माल निकालते समय डबल स्टेप की वजह से मेरी उंगली कट गई। हम और मेरे भांजे दोनों को एक ही फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ। नहाने धोने में, कपड़े धोने में कठिनाई होती है, एक बाल्टी पानी नहीं ले जा सकते हैं सर, इसे एक मग पानी भी नहीं उठती है, रोटी बेल नहीं सकता हूँ। मेरे सहारा तो ये जो मेरे साथ में बंदे, ये तो इसके सहारा चल रहा हूँ सर, नहीं तो मैं तो भूखे मर जाता यहाँ पर। सर मैं जम्मू ज़िला बिहार से मानेसर में आया था फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। हम लोग लेबर चौक पे चले जाते थे गोल चक्कर के पास, वहाँ से एक ठेकेदार उठा के ले गया तीनों बंदे काम के, दो दो महीना लॉकडाउन के पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी एक रुपया नहीं मिला सर। हम लोग भूख से तरस रहे थे सर। मेरे बच्चे जन्म लिए सर 12 अप्रैल को, तो मैंने सोचा कि मैं गांव जाता हूँ, सारा बच्चे देख लूँगा। गाँव मेरे लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। चल बोले भूख से यहाँ भी मरनी है, भूख से मरते मरते तो गाँव पहुँच जाऊँगा। 5 किलो लगभग चूड़ा थे सूखे हुए सामान, और कुछ नहीं थे मेरे पास में, तो मैंने पुलिस के डंडे का मार खा के आपस घूम गया। कमाने खाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा सर, तो मैं गांव में सिंगार की दुकान दे सकता हूँ सर, उससे मेरी रोजी रोटी चल सकती है, क्योंकि सर मेरे पीछे 6-6 बंदे हैं सर, उसको भी तो देखना है। यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत हारिए नहीं, हिम्मत बांध के रखिए, अगर हिम्मत है तो सब कुछ है।